एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिनाले के पहले जितनी आई थिंक कंटेस्टेंट्स नर्वस थी, उससे ज़्यादा मैं नर्वस थी. बिकॉज इतनी मेहनत से सारी सुपर मॉम्स यहाँ तक पहुँची है, इतने ऑडिशंस के बाद, इतने इस मंच पर आने के बाद, इतनी रिहर्सल्स और इतने सारे परफॉर्मेंस के बाद, तो जाहिर है सबकी इच्छा थी कि वो सुपर मॉम की ट्रॉफी घर लेके जाए. और वी एज जजेस, हम लोगों को तो बहुत टेंशन था कि किसको एलिमिनेट करे, किसको नहीं, किसको रखे. और कहीं ना कहीं हर किसी की स्टोरी, हर किसी की जो कहानी थी या उनकी मेहनत थी, वो हम लोगों को दिखाई दी. तो थैंक गॉड हमारे हाथ में नहीं था और ऑडियंस के हाथ में था और वोटिंग उनके हाथ में था, वरना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता कि यू नो कैसे डिसाइड करें कि कौन फिनाले है और कौन विनर है इस फिनाले का. सो यस, बहुत टेंशन थी टू बी हियर एट द फिनाले. स्पेशली वर्षा की जो जर्नी थी, एक छोटे से गांव से आई थी वो, जहाँ पर वो बेगारी की नौकरी करती थी. मतलब ब्रिक्स को सर पे उठाकर धूप में चल के या अनाज उठा के, तो जब ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं और फिर वहाँ से कोई औरत ये ठान लेती है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे कुछ कर दिखाना है, और फिर सुपर मॉम्स जैसे DID सुपर मॉम्स जैसे एक मंच मिलता है उसको, जहाँ पर वो अपना हुनर दिखा सकती है. उसका कहीं ना कहीं सपना था, वीडियोस देखती थी वो वर्तिका की, और सेन सडनली वर्तिका जैसी उसको डांस गुरु मिली, और फिर अपना हुनर तराश के यहाँ तक पहुँची, सेमीफाइनल्स तक पहुँची. तो ऑब्वियसली मतलब हम लोगों को सबको ये कहीं ना कहीं मन में था कि इस बच्ची को मिलना चाहिए. बच्ची तो क्या माँ है, लेकिन है तो छोटी, सबसे छोटी थी वो. तो कहीं ना कहीं इच्छा थी कि भाई अगर उसको ये ट्रॉफी मिले और उसको फाइनलिस्ट माना जाए, तो उसकी ना ज़िंदगी बदल जाएगी. सो या वी वर ऑल वेरी हैप्पी. बहुत अच्छा लगा कि वर्षा जीती, और हमें ये विश्वास है कि अब उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. सो ऑल द बेस्ट वर्षा, वी सो सो हैप्पी फॉर यू. उर्मिला जी ने तो बहुत पहले भी शो जज किए हैं, तो वो जैसी कंटेस्टेंट से बात करती है, उन्हें प्रोत्साहन देती है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर. और जहाँ रेमो सर है, DID सुपर मॉम्स के तो मास्टर थे, लिटिल मास्टर्स के मास्टर थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. और इतना प्यार देते हैं वो कंटेस्टेंट्स को, डांस गुरुज़ को, इतना प्रोत्साहन देते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो एक सीखने को भी मिलता है. और मुझे लगता है कि जब पॉजिटिविटी आप देते हो दूसरों को, तब वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं उनको और अच्छा करने की हिम्मत देता है. सो दैट्स, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस मेरे लिए तो, टू हैव टू वेरी पॉजिटिव पीपल ऑन द शो. और ये शो बाय इटसेल्फ इतना पॉजिटिव है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के नुक्स नहीं निकालना, किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर ऐसे नहीं करना, बस उनका हुनर देखना है, उनकी काबिलियत देखनी है और उसकी तारीफ करनी है. तो इससे अच्छा शो और कौन सा हो सकता है? आप अपने फिनाले एपिसोड के लुक के बारे में क्या बताना चाहते हैं? फिनाले एपिसोड में हमें एक थीम दिया गया था, ब्लैक एंड गोल्ड. तो मैंने सोचा कि क्यों ना गोल्ड पहना जाए, क्योंकि आई थिंक इट्स अ ब्राइट कलर, और ट्रॉफी भी तो गोल्ड होती है. मुझे इतना अच्छा लगा कि इस मंच द्वारा, ZTV के द्वारा मैं आप तक पहुंच सकी. मैं आपके दिलों में पिछले 30 सालों से हूँ, पर अब कहीं ना कहीं आपके घर में पहुँच गई, तो बहुत अच्छा लगा. और जैसे ये मंच सुपर मॉम्स के लिए था, इट वॉज़ ऑल अबाउट सेकेंड चांसेस, ज़िंदगी दोबारा जीने का इस मंच पर मौका मिला सारे सुपर मॉम्स को.
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे भी ये मौका मिला आपके दिलों तक वापस पहुंचने का. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.